मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राशिद अंसारी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि YouTube चैनल की प्रोफेशनल सेटिंग किस तरह करते हैं। तो कुछ सेटिंग आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट थ्री में और कुछ सेटिंग हम पार्ट फोर में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, वीडियो मुकम्मल लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने किया नहीं। नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलें, अब मैं आपको YouTube पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे YouTube पे आ गए हैं, जो हमने चैनल पार्ट वन और पार्ट टू आपने देख लेना, चैनल किस तरह क्रिएट करना है वो मैं उस पर बता चुका हूँ काम। अब यहाँ पे ये चैनल है, यहाँ पे हमने इसको ओपन किया और यहाँ पे आपको क्रिएटर स्टूडियो का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है, जैसे हम क्रिएटर स्टूडियो पे जाएंगे तो इस तरह इसका कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं जो कि आपके चैनल के हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है चैनल, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो है वो नज़र आएंगी, स्टेटस एंड फीचर्स। तो ये स्टेटस एंड फीचर्स ये चीज़ें हो गई हैं, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट अपलोड डिफ़ॉल्ट्स, ये बहुत अहम चीज़ है। तो यहाँ पे आपने प्राइवेसी जो है पब्लिक अनलिस्टेड और प्राइवेट, आपकी पे जो वीडियो है वो कौन लोग देखें, आप देखें जस्ट या लोग भी देखें, तो यहाँ पे आपने पब्लिक करना है। कैटेगरी, कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है जिससे रिलेटेड आपका चैनल है, कॉमेडी से है, एजुकेशन से है, इंटरटेनमेंट से है, फिल्म से है, गेमिंग से है, तो ये सारी आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से क्योंकि मैं जो है एजुकेशन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ लोगों को, तो यहाँ पर मैं एजुकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेसेंस जो है स्टैंडर्ड यूट्यूब लेसेंस, मतलब कि आपके अलावा आपकी वीडियो कोई भी कॉपी ना कर सके जस्ट, और क्रिएटिव कॉमन कर देंगे तो कोई भी आपका जो है चैनल की वीडियो जो है कॉपी कर सकता है, तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन स्टैंडर्ड यूट्यूब लेसेंस ये ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद टाइटल डिस्क्रिप्शन, आप जो भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिख देंगे वो हर वीडियो के नीचे आपकी शो हो जाएगी खुद ब खुद, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है कमेंट एंड रेटिंग, अलाउ कमेंट, कोई भी आपकी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, इसको ख़त्म भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग पे आके एक्सपेक्टेड और अप्रूवल, मतलब कि अप्रूवल ये होता है कि आपकी मर्ज़ी के बिना कोई भी कमेंट नहीं कर पाएगा, पहले आप देखेंगे उसके बाद आप उसको अप्रूव करेंगे। यूज़र कैन व्यू, ये होता है कि डिसलाइक और लाइक जो हैं उसकी काउंटिंग नज़र आए आपको या लोगों को भी नहीं, तो ये कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लैंग्वेज, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरी लैंग्वेज उर्दू है, यहाँ पे इंग्लिश उर्दू हिंदी कोई भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज, तो यहाँ पे मैं उर्दू कर देता हूँ। कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे अगर आप टिक करना चाहते कर सकते हैं। कैप्शन सर्टिफिकेशन, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं करूँगा जो है कॉन्टेंट हैज़ नॉट एडिट ऑन USA टेलीविज़न विद द कम्युनिकेशन साइंस, तो ये भी आप कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, या फिर ये या फिर इसको आप फिलहाल सेलेक्ट ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ब्रांडिंग, अब ब्रांडिंग पहले इसको हम सेव कर लें, जो हमने ये सेटिंग की है इसको हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सेटिंग हमारी हो चुकी है सेव, यहाँ पे देखें यू आर चेंज है सेव्ड। उसके बाद आ जाते हैं ब्रांडिंग पे, ठीक है। ब्रांडिंग क्या चीज़ होती है, ब्रांडिंग वीडियो कोई भी आप देखें उसके नीचे छोटा सा सब्सक्राइब का या चैनल का लोगो आपको नज़र आता है, वो होता है जिसको एड वाटरमार्क भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपने PNG जो है वाटरमार्क यूज़ करना है, जो 1 MB का हो, या गिफ्ट फाइल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं किस तरह का वाटरमार्क लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं चूज़ फाइल करता हूँ, अपने लैपटॉप के अंदर आ चुका, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ PNG फाइल्स भरी हुई, यहाँ पर मेरा सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसको और सेलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ। जैसे मैं करूँगा तो यहाँ पे कुछ देखें अब क्या होगा, इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि यू आर अपलोडेड वाटरमार्क, ठीक है, तो यहाँ पे जो हो चुका है इसको अब हम सेव करते हैं। अब जो भी मेरी वीडियो होगी उसके राइट कॉर्नर पे इस तरह ये देखें, ये वीडियो है, इस तरह लिखा आएगा सब्सक्राइबर, तो यहाँ पर जो भी क्लिक करेगा मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ है कस्टम स्टार्ट टाइम, तो यहाँ पे आप एंड वीडियो के एंड में शुरू हो, कस्टम में हो, या फिर इंटायर वीडियो, तो यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इंटायर वीडियो कर दें, कि पूरी वीडियो पे ये आइकन जो है शो हो, यहाँ पे इसको हम अपडेट कर देते हैं। चलें जी, ये हमारा अपडेट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट सेटिंग पे जाते हैं, तो यहाँ पर आ गया सेव्ड सक्सेसफुली। अब हमारी नेक्स्ट सेटिंग है एडवांस्ड,
अब यहाँ पे एडवांस पे हम क्लिक करते हैं, अब एडवांस में कंट्री आप अपनी सिलेक्ट कर सकती हैं, उसके बाद कीवर्ड, कीवर्ड ये होता है कि जो आपका चैनल है उसका आप नाम लिख दें यहाँ पे, ताकि लोग जब भी सर्च करें तो वो इजीली आपके चैनल तक रसाई हासिल कर सकें, पहुँच सकें। तो यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ, उसके बाद अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपने अपने चैनल का नाम ही लिख देना कीवर्ड्स में। उसके बाद यहाँ पे एडवर्ड्स का अकाउंट आप अटैच कर सकते हैं, अपनी कोई वेबसाइट है, ब्लॉग है, वो अटैच कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने चाहते हैं कि अगर आपके सब्सक्राइबर शो ना हो तो यहाँ से आप चेंज करके उसके बाद आपने सेव कर देना है। तो ये यूट्यूब की सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग मैंने आपको बताई है। इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।